दो दिन ये पहले जो दो दिन पहले हम जो इसको मनाते हैं, तो ये सभी को ये मैसेज ये है कि निकलें घर में और अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें लेके आएं, जो भी आपको अच्छी लगती हैं, चाहे बर्तन की शॉप में हो कुछ भी हो, तो फेस्टिवल को अच्छे से मनाएं। उसके बाद दो दिन के बाद दीपावली है, सुंदर अच्छी तरह से सजाएं घर को और धनवंतरी भगवान की आज के दिन शाम को पूजा करनी है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और सभी को धनतेरस के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। अब दो दिनों के बाद दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले धनतेरस का त्योहार भी धूमधाम से मनाया जाता है। और धनतेरस के त्योहार की खासियत ये है, कहते हैं कि धनतेरस के त्योहार पर जो खरीदारी होती है वो बर्तनों की होती है, सोने चांदी की होती है, नई नई वस्तुएं जो वो खरीदी जाती हैं। तो ये भी कहते हैं कि भगवान कुबेर, माँ लक्ष्मी और माँ धनवंतरी जी की पूजा की जाती है। ये खासियत है हमारे धनतेरस के त्योहार की। ये बड़ा ही पवित्र त्योहार माना जाता है, खासतौर पर सनातन को लेकर बात करें तो उसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि दीपावली के त्योहार की जब हम बात करते हैं, जब भी दीपावली का त्योहार पास आता है तो बाजारों में रौनक काफी ज्यादा होती है, खरीदारी करने के लिए लोग काफी घरों से बाहर निकलते हैं। और उसी तरह की तस्वीर मैं आपको सांबा से दिखा रहा हूँ। यहाँ दिवाली के त्योहार से पहले जो आज धनतेरस का त्योहार है, तो यहाँ पर धनतेरस के त्योहार पर जो है आप तस्वीर सांबा के बाजार की देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम लोग जो है वो काफी यहाँ पर बाजारों में पहुंच रहे हैं और खासतौर पर बर्तनों की खरीदारी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ सोने चांदी के गहने लोग खरीदते हैं, लेकिन कुछ एक दुकानों पर हम जाकर बताएंगे आपको कि किस तरह से खरीदारी यहाँ पर की जा रही है और क्या कुछ लोगों का एक मैसेज जो है वो इस त्योहार पर रहता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले आगे की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, अपने सहयोगी को बोलूंगा आगे चलकर ये तस्वीरें दिखाएं जो यहाँ पर लोग जो है धनतेरस के त्योहार पर खरीदारी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे ये बर्तनों वाली दुकानें हैं सांबा में, जो कि आज आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लगातार सुबह से काफी रश जो वो देखा जा रहा है। तो आप ये पीक समय कह सकते हैं कि लोग घरों से निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं और नई चीजें जो है वो घरों में लानी चाहिए, उसी को लेकर मैं ये तस्वीर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बाजारों में आज काफी रौनक देखी जा रही है, तमाम लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मैं यहाँ से तस्वीर आपको बताने की कोशिश करूंगा और उसके बाद कोशिश करेंगे कि यहाँ से एक मैसेज भी लेंगे जो लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखें काफी रश जो है वो आज सांबा के बाजारों में है और उसी को लेकर ये धनतेरस के त्योहार पर हम खास तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आप चारों तरफ देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, कहेंगे काफी रश है आज बाजारों में, अच्छा चल रहा है काम। बहुत ऋषि जी पहले आपका बहुत शुक्रिया, दिवाली मुबारक आपको भी, धनतेरस बाकी ठीक है, रश तो चल रहा है बाजार में जी, रश तो बाजार में ठीक चल रहा है। लेकिन जो खासियत रहती है, क्या खासियत होती है इस त्योहार? खासियत आजकल की पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन, कांसी के बर्तन, बाकी स्टील के बर्तन चलते हैं, ऑल वैरायटी चलती है स्टील की। काफी रौनक है आज बाजार। हाँ जी, रौनक आज बाजार में रौनक है। हम ये अक्सर देखते हैं कि दुकानदार कहते हैं कि मंदा चल रहा है, काम नहीं है, लेकिन बाजारों का इस समय क्या स्टेटस है? मार्केट तो काफी मंदी थी पर अभी थोड़ा हाल ठीक चेंज हो गया, थोड़ा भी बदल गया। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केट मंदी थी लेकिन अभी थोड़ा सा जो लोग घरों से बाहर निकले हैं उससे बाजारों में रौनक जो वो लौटना शुरू हो चुकी है और दीपावली के त्योहार तक ये रौनक जो वो लगातार रहेगी। कुछ महिलाएं भी हैं, हम महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका संदेश रहेगा आज के धनतेरस के त्योहार पर, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें मैं आपको आगे से दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर कुछ और भी हैं जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम रोहित है। ऋषि जी आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बाकी बिट्टा भाई की ये दुकान हमारी फॉरएवर है, सालों से 20 सालों से मैं यहाँ आता हूँ और इस बार दिवाली अच्छी है, मार्केट में धूमधाम है, नई सरकार बनी है तो अच्छा है, अच्छा है। मैं थोड़ा सा धनतेरस के ऊपर भी बात करूंगा कि क्या कुछ महत्व होता है इस त्योहार का? धनतेरस का ये भगवान कुबेर का जो है धनवंतरी भगवान की पूजा होती है और इसमें जो है स्टील का बर्तन, तांबे का बर्तन या कॉपर, सोना, चांदी, इन सब की परचेज की एक अलग महत्व है। तो सबको बहुत बहुत दिवाली की और धनतेरस की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये है इस समय सिनेरियो बाजार का, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम लोग इस समय शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका संदेश रहेगा।
मैम क्या नाम है आप शॉपिंग कर रहे हैं बाजार में? हाँ सर, मेरा नाम सीमा है। क्या कितना अच्छा लगता है और इस त्योहार का महत्व क्या है? इस त्योहार का महत्व इस दिन रामचंद्र जी वापिस आए थे अयोध्या से, तो हम हिंदू लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कहते हैं कि आज धनवंतरी भगवान, उसी के साथ कुबेर भगवान और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, नए बर्तन खरीदे जाते हैं, सोना चांदी खरीदे। हाँ, सोना चांदी बर्तन कपड़े हर चीज खरीदी जाती है, इस दिन शुभ होती है। क्या आपका मैसेज रहेगा तमाम लोगों? इस दिन सभी को खरीदनी चाहिए, हमारे हिंदू लोग घर में बरकत आती है। बरकत आती है, हाँ। चलिए यहाँ पर कुछ मैसेज हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और भी महिलाएं हैं उनसे भी जानेंगे कि क्या उनका मैसेज रहेगा। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी रश जो है वो आज बाजारों में यहाँ पर उमड़ा हुआ है, तमाम लोग जिस तरह से खरीदारी करने आए हुए हैं आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। हिंदुओं का त्योहार है, क्या ये मतलब एक प्लेजर है हिंदुओं के लिए, और एक ये एक एक्सपीरियंस होता है, इसलिए हम न्यू न्यू चीज़ें खरीदते हैं, स्पेशली यूटेंसिल्स वगैरह और तांबे की चीज़ें खरीदते हैं, और एक मोपिंग समथिंग कुछ उसके रिलेटेड कुछ खरीदते हैं। लेकिन आपको पता है कि क्यों खरीदा जाता है ये नहीं मुझे पता। ये कहते हैं कि धनतेरस के त्योहार पर धनवंतरी भगवान अपना कुबेर भगवान और लक्ष्मी माता की, हाँ जी लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, और उनके लिए कुछ खरीदते हैं, तो उसमें हम चांदी की चीजें खरीदते हैं। कैसी रौनक है बाजारों में? हाँ, तो बहुत ज्यादा भीड़ है सामने। दीपावली तक ये रौनक है? हाँ बिल्कुल, 3-4 दिन तो रहेगी। काफी अच्छा, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए कुछ और भी लोग हैं उनसे भी हम जाने की कोशिश करेंगे। मैम क्या कहेंगे धनतेरस के फेस्टिवल पर? आप क्या कहेंगे धनतेरस के फेस्टिवल कितना जरूरी होता है हमारे हिंदुओं के त्योहार जब आते हैं? बहुत बहुत जरूरी होता है धनतेरस, दीपावली मनाना, धनतेरस मनाना, क्योंकि इससे सनातन धर्म को मिलता है कि हाँ हम एक हैं। जो हिंदू रीति रिवाज है उस कल्चर को आगे लेकर जा रहे हैं, उस परंपरा को आगे लेकर जा रहे हैं जो कि एक सदियों पुरानी परंपरा जो वो चलती आ रही है, तो ये काफी जरूरी रहता है कि यहाँ पर जो खरीदारी है वो आज धनतेरस के त्योहार पर करनी चाहिए। तो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं कि हर कोई आज यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि कुछ ना कुछ नई चीजें जो वो घरों में जरूर लेकर जाएं। तो मैं यहाँ देख रहे हैं आपकी किस तरह से यहाँ पर महिलाएं सामान वगैरह खरीद रही हैं, कहते हैं कि एक रीत जो है वो चलती आ रही है। मैम क्या कहेंगे आज धनतेरस के फेस्टिवल? वैसे ये फेस्टिवल जो है हमारे हिंदू त्यौहार में काफ़ी अच्छा धनतेरस का दिन माना जाता है। इस दिन तो हम कोई घर में कोई भी नई चीज़ तांबे पीतल स्टील की कुछ भी गोल्ड की सिल्वर की कोई भी हम शॉपिंग कर सकते हैं इस दिन। तो जो धनवंतरी भगवान जी हैं तो उनके सामने हम झाड़ू भी ले सकते हैं आज, नमक हो गया, ये हो गया हमारा धनिया हो गया, तो इस दिन ये सारी चीजें लेके हम इनकी पूजा करते हैं और धनवंतरी भगवान जी को प्रसन्न करते हैं। और कहते हैं कि बरगद होती है? हाँ बरगद होती है। तो बाजारों में आज कैसा सिनेरियो है, कितना? आज बहुत ज्यादा भीड़ है मेरे बेटा, आज ये बहुत भीड़ है आज, तो नेचुरल सी बात है कि ये हमारे त्योहार में हिंदू त्योहारों में से एक माना अच्छा इस मान्यता है, तो इस समय आज तो बर्तन वाली शॉप में काफी ज्यादा रश देखने को मिल रहा है। तो हम आपका मैसेज रहेगा तमाम लोगों को, सनातन के ये पर्व बड़े अच्छे होते हैं, दिवाली का पर्व है 2 दिनों के बाद, तो क्या आपका मैसेज रहेगा? 2 दिन ये पहले जो 2 दिन पहले हम जो इसको मनाते हैं, तो ये सभी को ये मैसेज ये है कि निकलें घर में और अच्छी अच्छी नई नई चीजें लेके आए, जो भी आपको अच्छी लगती है, चाहे बर्तन की शॉप में हो कुछ भी हो, तो फेस्टिवल को अच्छे से मनाएं। उसके बाद 2 दिन के बाद दीपावली है, सुंदर अच्छी तरह से सजाएं घर को, और धनवंतरी भगवान की आज के दिन शाम को पूजा करनी है, और साथ में गणेश जी को और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना। चलिए आपका क्या नाम है बेटा? साकेत सिंह। आप मम्मा के साथ शॉपिंग करने आए हो, क्या क्या शॉपिंग किया आपने? हमने तो अभी ये बर्तन लिए। पता है बर्तन क्यों लेते हैं? हाँ, धनवंतरी भगवान जी को खुश कराने के लिए और गणेश जी और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने, और कुबेर भगवान को भी कहते हैं कि पूछते हैं आज के दिन। तो कैसा लग रहा है बाजार में आके, कितना अच्छा लग रहा है, काफी रौनक है बाजार में? हाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है इस टाइम, कुछ भी हीटर वीटर कोई भी भगवान की मूर्तियां भी लेते हैं। और दीपावली के दिन अपने
अपनी भी चीजें लेनी है, टॉय वगैरह जो भी आप? वो तो हमने अभी लेना है, 90 रुपए का। अच्छा, आज ही लेना है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। चलिए, थैंक यू। तो ये आपने देखा कि क्या कुछ यहाँ से मैसेज जो वो दिया है मैम ने, इसी के साथ उनके बेटे ने। धनतेरस हमारा हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, जो दिवाली के 2-3 शायद मनाया जाता है। तो मेरे को लगता है हर कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ लेने, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप कैमरामैन को बोल सकते हो कि दिखाए कि कैसी भीड़ है, इतना उत्साह है ना यहाँ पे लोगों का, मतलब देखने को, हम देखने को बन रहा है। यही एक हमारा कल्चर है, यही हमारा, बिल्कुल यही हमारा कल्चर है, यही सब हमें देखने को मिलता है। और जो हम आहिस्ता शहर में जो लगता है घुमार मतलब खत्म हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ ये खत्म नहीं होना चाहिए, ऐसे ही चलते रहना चाहिए, बिल्कुल रिवाइव करने की। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने ये मार्केट का सिनेरियो देख ही लिया, अभी भी हम जिस तरह से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, काफी रश है आज धनतेरस के फेस्टिवल पर। महिलाओं ने, हर लोगों ने यहाँ से एक मैसेज दिया है कि कितने जरूरी होते हैं हमारे जो रिचुअल्स हैं उसे निभाना, खासतौर पर अपने कल्चर को आगे लेकर जाना, परंपरा को आगे लेकर जाना। ये चीजें हैं जो सनातन में बताई गई हैं और सनातन को हमें आगे तक लेकर जाना है, सनातन को हमें बढ़ावा देना, उसी को लेकर हमारे जो हिंदुओं के त्यौहार हैं वो अच्छे से धूमधाम से लोग मना रहे हैं। खासतौर पर दिवाली से पहले जो 2 दिन पहले जो धनतेरस का फेस्टिवल होता है, तो उस पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग बर्तनों की खरीदारी, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी की खरीदारी कर रहे हैं, झाड़ू या मॉप जो आप खरीदते हैं इसका भी एक महत्व रहता है, धनिया नमक ये चीजें रहती हैं जो धनतेरस के फेस्टिवल पर खरीदी जाती हैं। और आज के दिन धनवंतरी भगवान, कुबेर भगवान, लक्ष्मी माता जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। तो सभी के घरों में बरकत रहे, सभी के ऊपर भगवान का आशीर्वाद बना रहे और सभी त्यौहार सबके अच्छे आए, इसी की हम कामना करते हैं। तो एक बार फिर से धनतेरस के फेस्टिवल की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।